सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी। दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है। इंसाफ के लिए पहलवानों का दंगल कब तक? आप सभी हमारे साथ आइए इस न्याय की लड़ाई में, आप लोगों की हमें जरूरत है, हमें न्याय दिलाने में आपका सहयोग। क्या पहलवानों के नाम पर विपक्ष कर रहा सियासत? देश के लिए जनता क्यों बैठे हैं, इतना गंभीर सवाल है, क्यों ये यहाँ बैठे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। देश की शान क्या, यौन शोषण से परेशान? अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आखिरकार कौन सच्चा, कौन है झूठा? WFI चीफ पर यौन उत्पीड़न के आरोप का क्या है सच? धरने पर बैठे पहलवानों की पीड़ा कितनी वाजिब? आप सबके सहयोग और समर्थन के हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी हैं, हम हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन प्लीज हमारा साथ दीजिए। पहलवानों के धरने पर सियासी दंगल। तो पहलवानों के धरने पर सियासी दंगल। 3 महीने पहले याद कीजिए, पहलवान धरने पर बैठे थे, पूरे देश की सुर्खियां बनी। शिकायत यौन शोषण की, आरोप भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे और 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। कोई सुनवाई हुई? आरोप पहलवानों का यह कि कोई सुनवाई नहीं हुई। मरहम लगाने के नाम पर जख्मों को कुरेदने का आरोप लग रहा है। आखिरकार कमेटी बनाने का ऐलान हुआ, सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी दो दो बनी, लगा कि कुछ होगा, कुछ सामने आएगा सच, कि पहलवान जो कह रहे हैं वो सच है या पहलवानों के लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। खबरें यह भी आई कि ब्रजभूषण का जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। यह सिर्फ अभी खबरें हैं। सोमवार को 7 लड़कियों ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा यह क्या हो रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। जनवरी में जब पहलवान आए थे तब सैलाब उमड़ा था, मगर अब ऐसा कुछ दिखता नहीं है। राजनीतिक दल जरूर पहुंच रहे हैं, राजनीतिक नुमाइंदे जरूर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसमें से अधिकांश हरियाणा के पहलवान हैं, इसलिए हरियाणा की सियासत ज्यादा उबाल मार रही है। कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि यह जाति हो रही है, सरकार गलत कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आती है। सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे पहलवानों की गुहार को सुन लिया, बकायदा दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इंसाफ के लिए पहलवानों का यह दंगल आखिरकार कब तक? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो पहलवान धरना दे रहे हैं वो सच्चे हैं या फिर ब्रजभूषण जो दावा कर रहा है वो सच्चा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे विषय को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है? देश की शान क्या, यौन शोषण से परेशान है? आखिरकार कौन सच्चा, कौन झूठा? क्या है इस पूरे मामले का सच?
धरने पर बैठे पहलवानों की पीड़ा आखिरकार कितनी वाजिब है, और पहलवानों के धरने पर सियासी दंगल आखिरकार कब खत्म होगा? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेगा मेहमानों का पैनल। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो पहलवानों के दंगल पर, धरने पर यह सियासी दंगल भी छिड़ा है। ब्रेक से पहले तमाम सवाल कि सच्चा कौन, झूठा कौन, हकीकत क्या है इन आरोपों की, जो आरोप देश की शान मेडल हासिल कर चुके पहलवान लगा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस ओपी सागर साहब, वन ऑफ द बेस्ट आईपीएस ओपी सागर साहब, रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं सागर साहब आपसे करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। आपको आवाज ठीक मिल रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज सुन के तो वैसे ही हम दुरुस्त हो जाते हैं। सागर सर, एक बात जानना चाह रहा था, ये जो मामला है, कई ऐसे मामले आपके संज्ञान में भी आए होंगे जब आप, ऐसे मामले मतलब गंभीर मामले, जब पहलवान खास तौर पर जिन्होंने मेडल हासिल किए, देश की शान बने, वो पहलवान सड़कों पर उतरकर एक बड़ी शख्सियत पर गंभीर आरोप लगाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं, जांच के नाम पर क्या हुआ यह भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि 7 महिलाएं, उनमें से एक नाबालिग, 4 दिन से एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। यह मामला कितना गंभीर है, क्या यह वाकई एक सामान्य प्रक्रिया का अंश मान ले हम? सामान्य प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है ये। देखिए, सामान्य प्रक्रिया तो तब होती कि उन्होंने एक बलात्कार या जो है भंग का, अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उस पर एफआईआर कराना चाह रहे हैं तो एफआईआर कर देनी चाहिए। साथ साथ लोग कह रहे हैं, साथ साथ लड़कियां जिनने एक नाबालिग कह रहे हैं, तो उसमें एफआईआर करने में तो कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ उनको अगर ये डाउट था, इंक्वायरी रिपोर्ट, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट सार्वजनिक ना भी की जाए, कम से कम पार्टीज को दिया जाए और सार्वजनिक करने में कोई हर्ज नहीं। देखिए, एक बड़ी आपने खुद ही कह दिया शख्सियत, ब्रजभूषण सिंह जो कि अध्यक्ष है तथाकथित, तो उनको जो है अगर उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जांच हुई, जांच में उनको क्लीन चिट दी गई है, लेकिन किन आधार पे इन लोगों ने जिन्होंने बयान दिए थे उनके बयान, क्या ओरिजिनल बयान उनके वहां उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में है, या उनको टिल्ट कर दिया गया, घुमा दिया गया, या तो जो है गलत नोट कर दिया गया है? इंक्वायरी रिपोर्ट तो बहुत क्लियर होनी चाहिए भाई। देखिए, न्याय जो है वो किया जाए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि न्याय किया हुआ लगना भी चाहिए। न्याय हो तो दिखे भी सही। और इसमें एफ आई आर तो कोई भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो खैर इम्यून है, लेकिन प्रधानमंत्री, मंत्री कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला बनता है, और उसकी ऐसे मामलों में क्या राजनीतिक दबाव नहीं होता क्या पुलिस के ऊपर? दबाव तो है ही, वरना आम आदमी का तो मुकदमा लिख गया होता, फिर उसको ठोक के जेल भेज दिया गया होता। नहीं, एक पिचीदा सवाल इसलिए भी बनता है सागर सर कि 7 में से 1 नाबालिग है, जी, पॉस्को एक्ट क्या कहता है? एक्ट का भी मामला है, ये देखिए गंभीर मामला है। अदरवाइज भी अगर नाबालिग ना भी होते तो बालिक दशा में भी नहीं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो पॉस्को एक्ट का भी जिक्र है ना सर? जी सागर सर, पॉस्को एक्ट का भी जिक्र है ना आप? तो
हाँ पॉक्सो एक्ट अगर नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट तो लगेगा ही। हाँ, तो उसमें प्रक्रिया क्या होती है सर, जरा हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाए। सेम प्रक्रिया है, बस उसमें ये है कि सजा का प्राविधान जो है वो भी लोअर लिमिट भी फिक्स कर दी गई, इतने सजा होनी होगी अवश्य। तो ये मैं देखिए नहीं सागर सर, मैं एक इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ पॉस्को एक्ट के बारे में, क्योंकि वहाँ तो बोलते ही एफआईआर दर्ज का प्रावधान है ना। 2012 में जो वर्मा आयोग की रिपोर्ट थी और उसके आधार पर जो सिफारिशें हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया, वहाँ तो एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर तो होनी चाहिए। देखिए एफआईआर ऐसा है, कितनी एफआईआर तमाम लोगों के खिलाफ कराई गई वो सब्सटेंशिएट होती हैं कि नहीं होती हैं अलग बात, इन्वेस्टिगेशन उनका कहीं किया जाए, अगर झूठी है तो एफआईआर क्रैश हो जाएगी। एफआईआर जो है उसमें फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, फाइनल रिपोर्ट के साथ में एक प्राविधान ये भी है कि एक्सपंज किया जाए कि ये मुकदमे जो मामला है ही नहीं, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल शुरू से ही झूठा है। और ऐसे में तो ये पॉस्को एक्ट का मामला बनता है ना सर? सर मैं इतना जानता हूं, बनता है उसमें जो अगर झूठी एफआईआर कराई है तो 182 आईपीसी में उसमें दंड का प्रावधान है। तो इसमें कोई इसमें जरूरी नहीं है ना कि जो पक्ष जिसके ऊपर जिसके साथ यौन शोषण हुआ वो सामने आकर अपने बयान दर्ज करे, ये तो स्वतः संज्ञान लेकर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल नहीं, वो तो देखिए अगर ऐसे में कैमरा प्रोसीडिंग की भी एक सुविधा दी गई है और इसके अलावा ये इन पब्लिक तो होना ही नहीं, इन पब्लिक जो है इस तरीके की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये जो है शीर्ष न्यायालयों का भी आदेश है, हाईकोर्ट न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस मामले में अगर घायल होता है और जो पीड़िता है वो चाहती है तो ये तो सभी जानते हैं कि पीड़िता का नाम उजागर नहीं कर सकते, उसका चेहरा उजागर नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में सर गंभीर मसला है, उजागर हो रहा है बकायदा। हाँ गलत बात है ना, देखिए एक अच्छा वो ऐसा नहीं है कोई राह चलते लोगों ने सामान्य लोगों ने ऐसे लोगों ने लगा दिया हो जिनके क्रेडेंशियल डाउटफुल हो, वो जो है भारत देश के लिए खेलते हुए खिलाड़ी और उसमें भी जो है मेडल लाए हुए ऐसे लोग हैं और बहुत उनकी विश्वसनीयता पे शक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग अगर कोई भी चीज को कह रहे हैं तो उसमें तो बहुत वजन देना चाहिए था। ठीक रत्नाकर जी, जी रत्नाकर जी मैं कानूनी पेचीदगियों के बारे में तो समझ रहा हूं जो बात सागर सर समझा रहे हैं, लेकिन क्या आप इस मसले पर राजनीतिक दंगल छेड़े हुए हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं? रत्नाकर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज आ रही है जी। रत्नाकर जी, आपके ऊपर आरोप है कि इस पहलवानों के सियासी दंगल उस पर कर रहे हैं आप लोग जो है पहलवानों के धरने पर सियासी दंगल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है जो आरोप है आप पर? देखिए तिलक जी, आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, आप सोचिए सियासत तो एक जगह एक दूसरी जगह रख दीजिए, आप सियासत बाद में कर लेते हैं, पहले देश की स्थिति परिस्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि देश के जो है शान आन बान शान जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, बहुत सारे मेडल जीते और विदेशों में जाके भारत का तिरंगा फहराया, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है और उनके लिए उन्होंने आवाज पहले भी उठाई और वहां पे धरना प्रदर्शन किए, खेल मंत्री ने आश्वासन दिया, सारी चीजें हुई लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। आखिर में क्या परिस्थिति बन गई कि फिर से जो है उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा और इस बार उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो ये प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही है जो उसने पूर्ववत में भी किया। आप पहलवानों के कंधे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहलवानों ने साफ तौर से एक संदेश दिया है सारे राजनीतिक पार्टियों को कि आप हमारे इस लड़ाई में शामिल होगे हो सकते हैं और आपका वेलकम है। उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन समझिए
अगर वो कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो ये क्या विपक्षी पार्टियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो देश के लिए लड़े, जो देश की तिरंगे की शान बन के हमारे देश में आए गोल्ड मेडल लेकर के, उनके साथ हमारा खड़ा होना एक व्यक्तिगत रूप से भी दायित्व तो नहीं बनता? लेकिन रत्नागर जी, जो कमेटी बनी उसमें खिलाड़ी नहीं है क्या? नहीं नहीं, सरकार ने कमेटी बनाई, दो दो कमेटियां बनी रत्नागर जी, दो दो कमेटियां बनी सरकार ने, दो कमेटियां बनाई, उसमें सभी खिलाड़ी हैं, है कि नहीं? तिलक जी, सबसे बड़ी चीज है कि मंशा होनी चाहिए न्याय दिलाने की, और मंशा होनी चाहिए जो भी रसूखदार है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, उसको अगर वो गलत किया है, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं दिखी। उनकी मंशा आपको मैं दो तीन, बहुत सारे लिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के जो रसूखदार हैं, जिनको मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे घटना किए, लेकिन क्या हुआ? इंक्वायरी सारे जमानत पे छूट करके रत्नागर जी घूम रहे हैं। सुनिए पूरा, ना, 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 आप, आप, अगर अगर ना, ना, कहते हैं कि ना कहते हैं कि एक उंगली अपनी तरफ उठाओ, तीन दूसरी तरफ उठ जाती है ना, होता है ना कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो तीन अपनी तरफ आ जाती है। हम उंगली उठाना छोड़ दे, अगर रत्नागर जी, रत्नागर जी अभी की घटना बताऊं आपको, अगर ये बात कर रहे हैं, झारखंड में आपके स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगे, आपके स्वास्थ्य मंत्री का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जो आरोप है मैं भी नहीं जानता उसमें सत्यता क्या है, आपने कौन सी कार्रवाई कर ली? कार्रवाई के लिए हम तो रोक नहीं रहे हैं कार्रवाई, नहीं आप कह रहे हो ना कि आपने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं हमने कोई कोई, तो फिर सर वही हुआ ना कि सत्ता में होगा, सत्ता में तो फिर, सुनिए 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 तिलक जी, मैं आपकी बात संदर्भ समझ गया। देखिए मेरा पहले ही स्पष्ट रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर वो हमारी बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है। रत्नागर जी, रत्नागर जी, अभी इस विषय को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इन्हीं के राजनीतिक दल में हैं, सर फिर दिक्कत हो जाएगी, आप कहेंगे तो मैं नाम ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। दो तीन मैं नाम के साथ उदाहरण दे करके बातों को कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करेंगे, जरा मुझे रत्नागर जी, प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं, मैं जरा प्रदीप जी को भी ले लूं, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं एक बात जोड़ देता हूँ फिर। अगर आपने कहा कि इन्हीं के दल में ऐसे नेता हैं जो सर इस दुनिया में नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, ठीक, राजभवन में एक वीडियो वायरल हुआ था, याद है, हुआ था ना, देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार थे वो, फिर अच्छा नहीं लगता किसी के बेवजह हम किसी के चरित्र पर सवाल उठाएं। एक मिनट प्रदीप जी, कैसे हैं आप? सब राम जी कहते हैं। प्रदीप जी, आपने नारा दिया था, मतलब देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था हरियाणा में ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में दिया था नारा, मुझे याद है, मैं सही हूं तो, क्या ऐसे ही बचेंगी बेटियां सर जो धरने पर बैठी हुई हैं? बिल्कुल आपने चावला जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हरियाणा के अंदर ही माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और कोई दो राय नहीं उसमें, उस पर अमल भी किया, पूरे देश ने अमल करा और हरियाणा जैसे राज्य ने बहुत बड़ा अमल करा, उसे सीख बनाया और आज हरियाणा में बेटियां आज अपनी जिंदगी जी रही हैं जो घुटती थी, कभी ऐसा नहीं, मगर नहीं, जो धरने पर बैठी हुई है बेटियां, जी मैं भैया वो भी हरियाणा की कही है जो, हाँ जी कह रहे थे, नहीं नहीं प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए, जो बेटियां बैठी हैं वो भी देश की है, किसी धरती की है, और वो जिस चीज की मांग कर रही सरकार की उससे भी निगाह है, ऐसा नहीं है, निगाह है पूर्ण रूप से है, ऐसा नहीं है, ये वही बेटियां हैं जो प्रोत्साहन के लिए तरसती थी और तरसती थी सुविधाओं के लिए, आज ये एथलीट पूरे विश्व में जाके खेलती हैं, और आज पूरे विश्व में जब ओलंपिक गेम होते हैं एथलीट होते हैं तो एक सूची में चौथे तीसरे पांचवें नंबर पे नंबर होता है कि हमने इतने मेडल जीते, आज वो 15वें 16वें पे नहीं होता है, मतलब प्रदीप जी आप ये कह रहे हैं कि ये मेडल 2014 के बाद आने लगे देश में, नेचुरल है, 2014 से मेडल ही नहीं आते थे, कितने नंबर के होते थे हम लोग बताइए, अच्छा तो हमारे आपके सामने ही है, हम लोग 15वें पे 12वें पे 10वें पे 9वें पे इस पे होते थे,
कभी चार से आगे आए ही नहीं कभी, मतलब पहलवान भी 2014 के बाद ही बने। देखिए पहलवान बिल्कुल बने, मगर जो प्रोत्साहन गेम्स में चाहिए था वो नहीं दे पाई सरकार ना। खैर अभी वो विषय नहीं है प्रदीप जी, अब मैं मूलतः सवाल यही है कि इनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं, मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन देश तो जानना चाहता है ना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कमला जी हम लोग तो टीवी में बैठ के सच्चे झूठे का फैसला ना तो कर सकते और ना हम करेंगे। बिल्कुल, ये जिस जांच कमेटी का काम है वो करेगी। बिल्कुल, और अभी मामला ऊंचे न्यायालय में चला गया है, वो निर्णय देगी इस पे। हम ना पे हथौड़ी लेके ऑर्डर कर सकते ना हमारे हाथ में यहाँ पे, और हमारे देश के खिलाड़ी बैठे ऐसा। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया? जो लेके गया वो लेके गया, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी वजह से तो क्या होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंदोलन जीवी लोग, जो लोग संतुष्ट नहीं होते सरकार इतनी जांचों से, उनकी होती है कि जेपीसी उन्हें न्यायालय पे विश्वास नहीं होता है, और कुछ लोगों को न्यायालय पे विश्वास होता है। ये पहलवान जो धरने पर बैठे हुए आंदोलन जीवी है, मैं इन्हें नहीं कह रहा सर, आप बोल तो वही रहे। मैं पूरा कर रहा हूँ, मेरी शब्दों को पकड़ा ना जाए। नहीं नहीं मैं शब्द नहीं पकड़ रहा, आपने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने इसलिए कहा। अभी आपने रत्नाकर जी से कुछ सवाल पूछा आपने राजनीति, नहीं नहीं रत्नाकर जी से सवाल तो मैं पूछूंगा, आपने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आ रहा हूँ, ये सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो आज कांग्रेस है जो साथ लेके घूमती है पूरे देश के अंदर, और इन्होंने इसमें भी एक्टिव कर दी इसमें, और अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अगर आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है इन परवानों को भड़का रही है, इसके पीछे वही है। कांग्रेस राजनीति में उतर नीचे कितने स्तर तक उतर सकती है, आप हम इतना आकलन नहीं कर सकते। ये राजनीति में बहुत निचले स्तर तक उतर सकते हैं लोग, और बात आप ऊंचे न्यायालय की बात कर रहे हैं। नहीं 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 एक मिनट, आपने जो आरोप लगाया रत्नाकर जी एक मिनट, प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस हद तक गिर सकती है वो कोई नहीं जानता, आप लोग पहलवानों के सहारे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आप लोग भड़का रहे हैं पहलवानों को। देखिए तिलक जी बड़ा हास्यास्पद है स्थिति जो ये बयान दे रहे हैं, आज देश की बेटियां अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रही हैं, इसलिए उन्होंने आवाज राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया प्रदीप जी ने आप पर जी, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया हमने बैगों आपने भड़काया पहलवानों को। जवाब दे देता हूँ अभी आपने भाई साहब जरा सुन लीजिए, अरे भाई साहब जरा सुन लीजिए, अभी तिलक जी सागर जी ने बड़ा एक बेहतरीन बात कही, जब उनसे आपने प्रश्न पूछा था उन्होंने बड़ा बेहतरीन बात ये कही कि अगर ये किसी आम आदमी का केस होता तो उसको अभी उसके ऊपर FIR भी हो गया होता और वो जेल के अंदर भी चला गया होता, लेकिन अभी तक 3 महीने के बाद खेल मंत्री द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी वह व्यक्ति को साफ पाक घोषित कर दिया जाता है और खुला छूट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटियों की लड़ाई कमजोर पड़ी। अगर बेटियों की लड़ाई कमजोर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और हम लड़ाई लड़ने के लिए। आरोपों का जवाब दीजिए ना, अगर वो भी आरोप लगा रहे हैं तो सीधा आरोप लगाया प्रदीप जी ने, राजनीतिक साजिश है, आप लोग राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, जो बात आपके सामने भी प्रदीप जी ने कही। इंसाफ अगर दिलाने की बात कह रहा है कोई, अगर बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात की जा रही है तो इसमें कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र इनको नजर आ रहा है? षड्यंत्र तो बचाने की हो रही है। राजस्थान की बेटियां इंतजार कर रही हैं, बीच में नहीं बोला हूँ, राजस्थान की बेटियां भी राहुल जी का इंतजार कर रही हैं। अरे ब्राह्मण की बेटी दलित की बेटी राजस्थान में भी इंतजार कर रही है, दिल्ली के अलावा। आपका नंबर आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, बोलिएगा प्लीज, ये भी प्रश्न है आपके लिए। सागर जी प्लीज प्लीज, ये भी प्रश्न है आपके लिए, बेटियों सब एक ही होती, साझा होती है बेटियां, चाहे वो किसी राज्य की हो। अगर बेटियों की बात करो तो बेटियों की बात बीच में बोलेंगे तो मैं पूरे डिबेट में मैं इनके बीच में बोलता रहा, फिर डिबेट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, सवाल से तो देना चाहते नहीं, जवाब तो है नहीं आपके पास, सिर्फ आप बीच बीच में ऐसा ये अनर्गल प्रलाप करके और डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अरे बात तो पहुंचने दीजिए लोगों के पास भाई, आपने तो भी बोलने नहीं देंगे, यहाँ पे भी बोलने, देश की बेटियों की बात करते हैं हम, तो हम भी तो देश की बेटियों की बात कर रहे हैं, इनको जरा ध्यान कराइए तो मैं अपनी बातों को रखूं जी। अब जरा सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, आप मेरे मित्र हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनके जो सांसद हैं मंत्री हैं, पहले में भी इन्होंने बचाने का काम किया और अभी भी बचाने का काम कर रहे हैं,
आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में जो घटना हुई थी लड़की के साथ, किस तरह से अशोकदारों को बचाने का प्रशासन ने काम किया। चिन्मयानंद का वीडियो वायरल हुआ था, आज चिन्मयानंद जी कहाँ है जरा पूछ लीजिएगा इनसे कि अभी कहाँ पे हैं वो चिन्मयानंद जी। उसके बाद रसूखदार की बात कह रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के ये रसूखदार लोग हैं। आशीष मिश्रा टेनी याद है ना आपको, कि उनके बेटे ने पांच किसानों की हत्या कर देते गाड़ी चढ़ा करके और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये कुछ भी हो जाए चाहे इतनी बड़ी इतना। आज जो है ये लोग जो है पर्दाफाश हो चुका है, और जो देश की आन बान शान हमारी बेटियां हैं उनको न्याय तक तो दिला नहीं पा रहे। राजनीतिक कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रदीप जी, कह रहे हैं प्रदीप जी ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश, राजनीतिक भू आ रही है इसमें। अरे राजनीतिक षड्यंत्र तो ये रच रहे हैं अपने रसूखदारों को बचाने के लिए। डॉक्टर धनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर धनोज मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। दिल्ली में सियासी दंगल हो रहा है पहलवानों का, और प्रदीप भटनागर जी ने एक बड़ा आरोप लगाया इस मंच से कि कांग्रेसी राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं पहलवानों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो सिला है अभी भी बाकी, कुछ सिला का जवाब चाहिए। देखिए सवाल है आपका, मुझे जो लोग यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं वो ना तो अनपढ़ है ना गवार है, वो इस देश के लिए जूझने वाली लड़की है। तो मेरा सवाल यह है, जो देश के लिए जूझने वाली लड़की है, जो मेडल के लिए जी जान लगा देती है, तो उन लड़की के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ था तो अपने पैतृक गांव या अपने पैतृक जिला या अपने पैतृक स्टेट के किसी थाने में जाके एट फर्स्ट उसको महिला थाना में अपने ऊपर हुए अत्याचार व्यभिचार के खिलाफ FIR करना चाहिए। पहला ये फर्स्ट इंस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंस्टेंस। अगर मेरे साथ भी कोई करेगा तो पहला इंटेंशन यही आता है कि मैं उनको जाके पुलिस को फोन नंबर है करेंगे। पुलिस क्या करती है बात की बात है, पहला मेरा फर्ज बनता है पुलिस को कॉल करना कि मेरे ऊपर या मेरे साथ या मेरे बहनों बहन के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी मौसी के साथ, चाची के साथ या खुद के साथ यौन अत्याचार हुआ। तो पहले दृष्टिया तो यही पर बात खत्म हो जाती है। और वो लोग कहाँ आके बैठे, जंतर मंतर पर। हरियाणा से जंतर मंतर की डिस्टेंस चावला जी कई किलोमीटर है, कई किलोमीटर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? होना चाहिए जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यही चाह रहा कि जो लोग मेडल लाने के लिए अपने जी जान को लड़ा देता है उनके साथ अगर कुछ अत्याचार हुआ था या यौन उत्पीड़न हुआ था तो उनको सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए। उसको यह नहीं देखना सर, वो तो कंप्लेन लिखवाने के लिए भटक रहे हैं। किसने कहा भटक रहे हैं? कौन तालिबान में रह रहे हैं क्या? नहीं तो आप धनोज, आप कानून अपना बना लेते हैं क्या? आपके सामने क्या दिल्ली पुलिस के पास गए नहीं क्या? माए भाई तो पूछ रहा आपको, नहीं अगर आपका अपना कानून है तो समझ में आता है कि डॉक्टर धनोज का अपना कानून है। नहीं नहीं डॉक्टर धनोज का कानून है ना, हिंदुस्तान की कानून की बात कर रहा हूँ। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली की दूरी तो सबको मालूम है, कॉल करना चाहिए हरियाणा और दिल्ली की दूरी। आपको लगता है कि पहलवान यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए, धरना देने के लिए? तो ये तो वो बताएंगे ना, टाइम पास करना कितना दे रहे क्या करे उनको तो बताना चाहिए ना। और बताने के लिए प्रथम प्रतिक्रिया क्या होता, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पुलिस में जो आता है कॉल करिए, उस रिकॉर्ड को कोई छुपा नहीं सकता ना। ओपी सागर सर, ओपी सागर सर, एक मिनट आपने पुलिसिया व्यवस्था का जिक्र किया, एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट। मेरे साथ सागर सर भी जुड़े, मैं आपको बता दूं, ठीक पूर्व IPS हैं, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है डॉक्टर धनोज, सुन लीजिएगा आपके काम आएगा कानूनी नजरिए से, क्योंकि आपके जुड़ने से पहले मैंने यही सवाल उनसे किया था। सर जो प्रक्रिया का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर धनोज की, FIR दर्ज करवा लेते, किसने रोका था, कौन मना करता है, पहलवान थे, देश की शान थे, क्या ये इतना सरल नहीं होता जिसका जिक्र कर रहे हैं? और अगर वो FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं उसके बावजूद शिकायत हो रही है, दोनों में तो अंतर है ना सर? तिलक जी आपने खुद ही कहा है कि ऐसा, आपने डॉक्टर धनोज की बात नहीं कहा है,
वो गए थे ध्यान, ऐसा नहीं है। अपनी FIR कराने के लिए दिल्ली पुलिस के सामने गए थे, जब वहां नहीं कार्रवाई हुई तब उनको पहले भी जंतर मंतर पर आना पड़ा। देखिए देश की जानी मानी शक्तियां हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है तो इसलिए उनको आना पड़ा। और फिर दोबारा जब उस पर कोई 3 महीना गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब दोबारा वो लोग आ गए। इसमें हर्ष क्या है भाई, दो ही चुनते हैं कि FIR होंगे उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो कि साधारण न्यायिक कानूनी प्रक्रिया है। दूसरा जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको उजागर किया जाए और मालूम तो हो कि उसमें काला सफेद क्या लिखा है, क्योंकि देखिए ये ऐसा सरल मामला नहीं है जिसको भी आप जो है इंक्वायरी करके बंद कर दें। इस इंक्वायरी में तो बाकायदा चर्चा होनी चाहिए कि किसके बयान हुए, क्या हुआ। मैं नहीं कहता है किसी, मुझे नहीं कमेंट नहीं करना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट है, लेकिन उसे उजागर करने में क्या दिक्कत है, उसको बता दिया जाता है, ये लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं, या संतुष्ट नहीं होते तो उसमें बताते कि ये कमियां हैं। ये नहीं किया गया, इसीलिए ये जो है संदेह का घेरा बढ़ गया और उस वजह से, और वो कार्रवाई कोई हुई नहीं तो लिहाजा दोबारा उनको आना पड़ा। ऐसे कई मामले हैं जहां पर कार्रवाइयां नहीं हुई है तो लोग दोबारा आए हैं, लोगों ने आत्महत्या तक का प्रयास किया है अथॉरिटीज के सामने आने के सामने कचहरी जाके। तो ये मैं कहता हूँ कि ये तो अपना उनका एक नजरिया था, और एक धारणा होती है सागर सर कि अगर किसी मामले को टालना हो तो उसकी कमेटी बना दो, लेकिन तिलक जी अब तो कमेटी की रिपोर्ट आ गई। और खासतौर से ये है कि देखिए ये बहुत ही संगीन मामला था, संगीन मामले के साथ साथ संवेदनशील भी मामला था, क्योंकि भारत की उन बेटियों को जो कि मेडल ला रही है, भारत का नाम ऊंचा कर रही है, उनके बारे में जो है नहीं विचार किया जा रहा। खेल मंत्री वहां गए, खेल मंत्री ने उनसे बात की, खेल मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ठीक डॉक्टर धनोज, जल्दी से अपनी बात रखिए, अभी प्रदीप जी रत्नाकर जी आपके पास आ रहे हैं। सुन लिया आपने डॉक्टर धनोज, अब ये ताज्जुब होता है, आप इनका परिचय क्या दिया, बोले ये मोहताज नहीं है परिचय का, आपके साथ मैं भी बैठा हूं। मैंने परिचय जानते हैं क्यों दिया आपको, जानते हैं सागर सर को, जानते हैं आप जिस अतीक अहमद का दिन रात गुणगान करते हैं, सबसे पहले गिरबान पे हाथ डालने वाले सोपी सागर सर थे, इसलिए परिचय का कहा मैंने। बात वो नहीं है, बात अभी जो इन्होंने कहा वो गया पुलिस मैनुअल, लॉ ऑफ मैनुअल, दिन रात व्याख्या करते मैं लाखों बच्चों को मैं लॉ पढ़ाता हूँ। आपको मैं एक बात बता दू कि लॉ पुलिस मैनुअल में है, अगर पुलिस नहीं सुन रही तो कोर्ट जाइए, धरना पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ क्या होगा, नहीं होगा। ये भी बताइए देश की जनता को, पुलिस होती है किस काम के लिए होती है? पुलिस होती है इंसाफ दिलाने के लिए। हाँ ये मैं जानता हूँ, पुलिस इंसाफ दिलाने के लिए होती है। आप कह रहे हो कि सुन तो दीजिए माय डियर, अगर वो लोग कॉल करते जो मेडल के लिए जीना लड़ा देते हैं, मेडल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वो कॉल कर सकते थे, अनपढ़ दबाव नहीं है वो लोग के पास वकील है, अगर उनके साथ कुछ छेड़छाड़ मांग देना। रत्नाकर जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर प्रदीप जी आपके पास। ये बिल्कुल राजनीति है, टोटल राजनीति, ये इंसाफ की लड़ाई नहीं है, ओनली फॉर पॉलिटिक्स, क्योंकि वो लोग अब बच्चा नहीं है, देश के लिए खेलने वाले बच्चे हैं, मेडल आने वाले बच्चे हैं। मैं बार बार अपनी माँ बाप को पानी पी लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। अरे पानी तो मैं पी के बैठा हूँ जनाब, मुझे जब तक बुरा होता तब बुरा लगता है। देश के कानून को भाई साहब प्रसारित मत करिए, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, मतलब देश बदनाम हो रहा है। आपकी विद्वता पूरी आदमी है, आपकी विद्वता जो है सुन लीजिए, आप विद्वान आदमी है, हमारे जैसे लोगों की बात जाने दीजिए, हमारे जैसे लोगों की बात जाने दीजिए। देखिए तिलक जी, बड़ी अजीब विडंबना है इस देश, ये कह रहे हैं महानुभाव की ये बहुत सारे लॉ के बारे में जानकारी है, इनको बढ़ाते हैं, ठीक है आप अपनी जगह सही, लेकिन बेटियां जो है उन्होंने तमाम कोशिशें की FIR दर्ज कराने की, उन्होंने आज क्या इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस इशू करना पड़ा, और बड़ा प्रश्न है ये क्यों परिस्थिति ऐसी आई। आज बेटियां वहां जंतर मंतर पे रो रही हैं, उनका वीडियो देखा है मैंने, कैसे लिपक लिपक कर रो रही हैं, और ये महाशय यहां बैठे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है।
शर्म आनी चाहिए इनको इस तरह के वक्तव्य देने के लिए। और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, और हमारे देश के गौरव, हमारे देश की बेटियों के साथ न्याय नहीं। अरे भाई साहब सुन लीजिए, अरे भाई साहब जरा सुन लीजिए, बहुत बड़े जानकार है आप, सुन लीजिए, अरे आप बहुत बड़े जानकार है आप, जरा सुनिए सुनिए आप, आपने भी बात रख ली। आप तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई, आप कौन कौन सा लॉजिक अपना रहे भाई? तिलक जी जरा, भाई साहब बच्चे के मोहताज नहीं है, जरा चुप करा दीजिए। हाँ आप चुप रहिए जरा, एक मिनट जरा बात तो रख लेने दीजिए। अरे भाई साहब आपके टाइम पे बोला नहीं बीच में, आप क्यों ऐसा अमेरिका जो प्रलाप कर रहे हैं? अरे पानी वानी पी लीजिए, जरा ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, ठीक है? बहुत हाई आप तो मानने को ही तैयार नहीं है कि लड़कियों के साथ अन्याय हुई है, आप तो मानने की लिखे लिए तैयार नहीं है कि लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है, आप तो मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि हुआ सरकार के लिए गई थी, आप तो मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है। किस तरह की बात है, बेवकूफों की तरह बात करते हैं आप यहाँ पर आगे बैठ करके? रत्नाकर जी आप अपनी जरा कुछ ठीक है, देश की जनता आज लड़कियां रो रही है वहां पे बैठ करके, और लिटरली रो रही है, अपने इंसाफ के लिए न्याय मांग रही है। वो जनवरी में मांगी थी न्याय लेकिन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो रसूखदार है, वो भाजपा का सांसद है। इस तरह समाज कितने भाजपा के सांसद और मंत्रियों को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्यों नहीं न्याय मिला उन लोगों को जो जिनके साथ अत्याचार हुआ है? क्योंकि आप हमेशा बाहुबलियों को, रसूखदारों को बचाने की आपकी कवायद रही है और कोशिश रही है, आम जनता उसमें तिल मिलाती है और उनको साथ नहीं मिलता है, और आज परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको रोना पड़ता है। लेकिन रत्नाकर जी क्या ये सच नहीं है? कितना तिल मिला रहे हैं ये डॉक्टर धनोज, इनकी परेशानी समझ सकता हूँ मैं, ये कितना परेशानियों, हमारी बेटियों की परेशानी समझिए, हमारे बेटियों की परेशानी समझिए। डॉक्टर धनोज एक मिनट रत्नाकर जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, आप रत्नाकर जी सवाल का जवाब दीजिए। रत्नाकर जी क्या ये सच नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर एक थ्योरी ये भी आ रही है कि ये हरियाणा बनाम दूसरे राज्यों की लड़ाई दिखाई दे रही है पहलवानों की? कोई भी लड़ाई हो तिलक जी, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी दल का नेता हो, कोई भी बड़ा रसूखदार हो, मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सीधा सा जब सवाल है कि आखिर में हमारे देश की बेटियां हैं, देश की गौरव हैं, आज क्या परिस्थिति, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को अरेस्ट करवाती है, क्यों नहीं FIR दर्ज कराती है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है? वो रो रही है आज बैठ के वहां पे, बिलख रही है, किस लिए वो आज राजनीतिक पार्टियों को बोली है कि हमारे साथ आइए? क्योंकि वो कमजोर महसूस कर रही है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो किसी 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 राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं। पिछली बार जब उन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन किया था, एक नेत्री वहां पे गई और उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक लड़ाई नहीं उसको बनाना चाहती। लेकिन जब न्याय नहीं मिला, उनको लगा कि न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी अपने रसूखदार सांसद को बचाने की कोशिश कर रही है, एक मिनट क्यों नहीं साथ दे उनका? सर इतनी देर से वेट कर रहे हैं, प्रदीप जी को भी सुन लीजिए। प्रदीप जी मैंने रत्नाकर जी को बहुत तो सुना, रत्नाकर जी मैं दो चार सवाल मन में आ गए आपकी बातें सुनिए। आपने कहा कि बेटियों ने बड़ा उत्तीर्ण झेला, वो FIR कराने गए, उनकी FIR नहीं गई और हमने आंदोलन किया। आपने कौन सा आंदोलन करा उनकी FIR के लिए जो उनकी FIR दर्ज नहीं हुई? आप सब पढ़े सुन लीजिए, एक मिनट मैं आपसे सवाल, एक मिनट एक मिनट, हमने कौन सा आंदोलन किया? सुन लीजिए अभी 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 वो भाषियों के सपोर्ट में हम वहाँ पे जा रहे हैं। सुन लीजिए मैंने बहुत सुना आपको, अभी आपने कहा कि उत्पीड़ना करी, यौन शोषण करा ब्रजेश जी ने, अभी आपने बड़ा खुल के बहुत कुछ बोला। आप पे तथ्य हो, सबूत हो तो उस चीज पे बोलिए। चार बार के सांसद है वो राहुल गांधी नहीं है, थोड़ा यही बता दीजिए। कुछ भी चीजों को जांच में जब चीजें दायरे में आ जाती है सबूत के साथ, तभी उस पर CBI ED काम करती है। अगर सिसोदिया जी को देखिए, मैं आपको जवाब, आपने बहुत सारे सवाल दागे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? अगर अरविंद केजरीवाल जी को अगर CBI ED ने बुलाया ना, तो तथ्य ने तभी बुलाया। राहुल गांधी जी को दो दिन ED ने CBI ने बुलाया ना, तो उनका सबूत है तब बुलाया। पुलिस मेरे साथ बड़े ऊंचे अधिकारी बैठे, अगर मैं झूठ बोलूं, बड़े रसूखदार अधिकारी बैठे,
जिन्होंने बहुत बड़े माफिया के और जो गृहवाल में हटा ला, मैं तो धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश की अपनी सेवा दी है, और मैं तो ऐसे अधिकारी का नमन करता हूँ जो प्रदेश के अंदर रह के इतने महान काम किए। सुनाकर जी, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी रसूखदार पे तो बहुत सोच समझ के हाथ डालती है और पूरे तथ्यों के साथ, कहीं हाथ पर जल जाए कानून के, समझ लीजिए मेरी बात को। अगर राहुल गांधी पे अगर हाथ डाला, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी पे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अभी आपने टेनी जी का नाम लिया, गृह मंत्री जी का, उनके बेटे गए जेल में, वो आपको दिखाई दिए, मगर एक राग जो आपने रेगुलर पकड़ रखा वो गाना है आपको, आपको किसान को दिखाई देते जो कुचल गए, वो दिखाई नहीं देते जिन्होंने हमला करा। देखिए जो भी आज जो भी ओलंपिक संघ में के ऊपर जो जो भी इल्जाम लगे हैं और वो उच्च न्यायालय में चले गए, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। अब न्यायालय जवाब दीजिए, प्लीज इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपना जवाब सवाल जवाब पूरे करेंगे। कहाँ गया इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान? कहाँ गया वो नारियों के प्रति सम्मान? बिल्किस बानो जैसे बेटी की बात है, आप फिर बिल्किस बानो पे आ गए। आप 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर के नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी दिन बिल्किस बानो को के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। कानून जब किसी को छोड़ता है, अच्छे व्यवहार में छोड़ता है। संजय दत्त सुन लो, तुम्हारे जान के लिए बता रहा हूँ मैं, संजय दत्त भी जेल गए, उम्र कैद हुई थी, और अच्छे कार्य अच्छे काम के लिए अच्छी चीजों को देखते हुए उनकी सजा माफ करी। कानून बिल्किस बानो, बिल्किस बानो पर मैं अपनी बात कहूँ बिल्किस बानो बीच में कहाँ से आ गई? मैंने अभी आपको बात पूछा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे इलाज खत्म कर रहा हूँ मैं, मुझे सवाल करना। राजस्थान की बेटी नहीं है, सवाल का जवाब दे दूँ, राजस्थान की उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार रेप के मामले में नंबर वन है, यही जवाब है आपका। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, इनका काल चेहरा चरित्र किस तरह से ये जो है नकाब पोष जो लोग हैं उनको उनका नकाब उतरता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अब रिसेंटली की घटना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ तिलक जी कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एक इनका एक सेल है जिसके पूर्व चीफ मिस्टर वालेश धनकड़ को इन्होंने बनाया था ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ के चीफ थे, और अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी कोर्ट ने उनको सजा दिया। क्या सजा दिया है, क्यों सजा दिया है? इसलिए सजा दिया है कि मिस्टर धनकड़ ने 5 कोरियन महिलाओं के साथ उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों को ओवरसीज में चीफ बनाते हैं, और उनका काम देखिए कितना घृणित रहता है कि महिलाओं के साथ यौन अत्याचार करते हैं। ये विषय राजनीतिक नहीं है, एक मिनट। अगर आपने प्रदीप भटनागर जी राहुल गांधी का जिक्र किया तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, मैं सागर सर आपके पास आ रहा हूं उस किस्से के साथ। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं ने मुझे बताया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, याद आया आप लोगों को? आया है सबको याद? तब उस वक्त जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, दिल्ली की इमीडिएट आई पुलिस, राहुल गांधी के घर पर पुलिस पहुंच गई। कौन महिलाएं हैं बताइए? प्रदीप भटनागर जी, इसका क्या मतलब हुआ कि एक महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, वो बता रही हैं, आरोप लगा रही हैं, FIR दर्ज करने की मांग कर रही हैं, और दूसरा राहुल गांधी अगर एक घटना का जिक्र करते हैं कि मुझे किसी ने बताया, तो आप पूछ रहे हैं कि पहले वो बताओ कि बताया किसने? इसे क्या मानेंगे फिर प्रदीप जी? जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत की आर्मी है, जो सुरक्षा तंत्र में काम करता है, और अगर राहुल गांधी अगर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कुछ जिम्मेदारी से अगर होनी चाहिए, जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाई शिकायत तो हमें बताइए ना, मगर ये लोग जोता का पुलंदा लेके चलते हैं। ये कुछ नहीं, ये केवल एक बदनाम कैसे भी सरकार को किया जाए, इन्हें केवल टारगेट क्या है, आदरणीय मोदी जी, अभी बड़े अधिकारी में भी हमने सबने बताया कि ब्रजभूषण सिंह जी पे FIR दर्ज है, और उसमें खुद जो एथलेटिक गेम खेल चुके हैं और वो खुद पैनल सागर सर नुमाइंदा कर रहे हैं। एक मिनट सागर सर एक महत्वपूर्ण सवाल, मसला कोर्ट में गया, कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार,
क्या ऐसा भी होता है कि कोर्ट ये पूछे कि 90 दिन हो गए अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई? क्या एक सवाल उठ सकता है कोर्ट में? देखिए 90 दिन की चार्जशीट का बहुत महत्व है, अगर मुलजिम जेल में है और 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल होती है ऐसे में मुलजिम को कोर्ट जो है रिहा कर देती है, जमानत से रिहा कर देती है कि पुलिस जो है सबूत नहीं जुटा पा रही है इनके खिलाफ, इसमें जो है कब वो कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो अभी FIR हुई नहीं, FIR नहीं हुई फिर उसके बाद में गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, FIR हो जाती गिरफ्तारी जो तब होती जबकि सबूत होता, तो अगर ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती है तो उसको सब चीज सामने आ जानी चाहिए। देखिए सामने ना आने से छिपाने से और सारे जो है डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सब जितने यहाँ सम्मानित जहाँ वक्ता कर रहे हैं वो सब इस बात को जरूर कहें कि वहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सब जो लोग जा रहे हैं तो वो वहाँ राजनीति में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं जो राजनीति से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है वो वहाँ जा रहे हैं, तो सहानुभूति में जाने का मतलब ये नहीं है कि राजनीति हो जाए। और FIR ना होना तो बहुत ही, देखिए मुझे याद आ रहा है अलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जस्टिस सुधीर अग्रवाल का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, उस जजमेंट में ये है कि अगर FIR को मना किया जाता है तो फिर वो जो है मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा और वो सागर हाईकोर्ट जैसे शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है और पुलिस को मालूम है कि कोर्ट इस पूरे मामले पर फटकार लगा सकता है, तो ये अंदेशा ज्यादा है कि अब इस मामले की FIR खुद पुलिस जल्दी से कर ले? नहीं मुझे नहीं लगता कि जल्दी करेगी, क्योंकि अब तो कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट की तरफ सब लोग देखने लगते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2-3 मेन जो है जो चुनाव हो रहा है उन्होंने चुनाव को रोकने के लिए कह दिया है, उन्होंने जो है तो अभी बहुत सारी मामले सामने भी नहीं आए कि कई रिपोर्ट उन्होंने तलब कर ली हो, इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में जानकारी करें और FIR ना होने की क्या रीजन है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी कोर्ट इस बात को अच्छा नहीं मानता कि FIR नहीं होगी। FIR होना मैं एक सवाल और आपसे लूंगा सर एक सवाल और आपसे लूंगा लेकिन प्रदीप जी पहलवान धरने पर है, पूरा देश देख रहा है, ठीक, जो मेडल लेकर आए, जो देश की शान है, जिन्होंने ना जाने कितनी कुश्तियां लड़ी, कितनी कुश्तियां जीती, आज धरने पर है। दो तस्वीरें याद आती हैं, एक वो तस्वीर जब ये मेडल जीत कर आते हैं, यही खिलाड़ी जो रो रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो मेडल जीत कर आते हैं तो उन्हें सब बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, याद है ना सर आपको वो तस्वीरें, याद है ना, लाखों रुपए के इनाम भी दिए। हाँ लाख सर, और उन्हें सरकारी पदोन्नति देके उन्हें नहीं, उसका नहीं, वो भी प्रोत्साहन बढ़ाया। देखिए खिलाड़ी का सम्मान पैसे से नहीं होता, ठीक, इसलिए ये छोड़ दीजिए कि हमने पैसा दिया उनको, पैसा किसी का नहीं, टैक्स पेयर है हम लोग हैं, ठीक सर, अच्छी बात है खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए लेकिन उसको पैसे से मत तोड़िए, उसका मान ही उसका सम्मान है सर। दूसरी तस्वीर एक और, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री उनका सम्मान करते हैं जब वो अवार्ड मेडल जीत कर आते हैं और दूसरी तरफ एक तस्वीर ये जब वो धरने पर बैठते हैं तो हम उनको पहचानते तक नहीं। आज ये रोती हुई बेटियां, बिलखती हुई बेटियां, ये तस्वीरें क्या कहती हैं प्रदीप जी? चावला जी, जो बेटियां रो रही हैं उनके आंसुओं का भी हिसाब होगा और जिनकी आपने बातें कही कि उनके प्रोत्साहन का, उनका प्रोत्साहन कभी कम नहीं होगा। नहीं कैसे, कभी सोचा था आपने कि आपके राज में पहलवान धरने पर बैठेंगे बेटियां? हमने प्रोत्साहन देखा तो प्रधानमंत्री ने घर पे भी देखा, प्रोत्साहन देखा तो राज्य सरकारों ने दिया वो भी देखा और देश ने जो प्रोत्साहन दिया वो भी देखा। क्या देश के प्रधानमंत्री को स्वतः इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? हां होना, बिल्कुल बिल्कुल संज्ञान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी हर चैनल देखते हैं और हर चीज को व्यक्तिगत ऐसे ही मन की बात नहीं कर लेते, ऐसे ही जनता के आगे नहीं आगे बोलते महीने में एक बार, वो जो जमीन से जुड़ा आदमी होता है, जो गांव किसान खेत से जुड़ा होता है, वही मन की बात करता सुनता है,
आज तक बताइए ना, इतने लंबे वर्ष में आज तक किसी ने बात करी हो तो बताइए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा बताइए कुछ हो तो। एक लोग सर आप कह रहे देश के प्रधानमंत्री अगर देख रहे हैं तो शिकायत तक, चावला जी शिकायत FIR तक लिखने में दिक्कत हो रही है सर बेटियों को। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लोग बाग जुम्मे के टाइम तो चले जाते हैं प्रोत्साहन बढ़ाने, मगर रामनवमी पे हनुमान जयंती पर नवरात्रों में घर से नहीं निकलते, ऐसे भी जने उधारी लोग बैठे। रही बेटे के प्रोत्साहन, रही बेटी के प्रोत्साहन की बात, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? जिन बेटियों का प्रोत्साहन की बात है हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? फूल में छिपा है मुसलमान की नहीं है बात, हिंदू और मुसलमान त्योहारों की है देश के त्यौहार भी। आप अपने घर से कब निकले? ये बेटियों का निकले टाइमिंग राजनीति में नेतागिरी में टाइमिंग चलता है साहब, क्या टाइमिंग क्या है किस चीज का? आप हिंदू मुसलमान मत जोड़िए इसको, इसके लिए तीन मुसलमान को मत जोड़िए। टाइमिंग चैनल नहीं देखा आप बताइए टाइमिंग को देखिए ना, टाइमिंग क्या है? अच्छा एक बात, प्रदीप जी कांग्रेस टाइमिंग को 2024 को बनाने में लगी है, टाइमिंग को भी देखिए ना। अच्छा टाइमिंग को देखें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं एक्शन हो, आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे श्यामला जी, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, लेकिन ब्रजभूषण सिंह अपने क्षेत्र के सम्मानित सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। अगर अगर ब्रजभूषण सिंह जी जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अगर वो दोषी हैं तो जो दोषी के साथ हो वो होना चाहिए। लेकिन आप ही तो कहते थे सर बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, अब बेटी के सम्मान में बीजेपी कहां मैदान में? आज भी है और खड़ी है, पूरी भाजपा खड़ी है। FIR तक दर्ज नहीं हुई सर, जांच कमेटी बनवा दी, FIR आप कराने में लगे, जांच कमेटी बैठी काय के लेकर, मतलब FIR के कोई मायने नहीं। अभिषेक मनु सिद्धू जी का भी मामला याद है मुझे अच्छी तरीके से सर, 90 दिन तक चार्जशीट तक नहीं बोलना कहता ना उनको, अभिषेक मनु सिद्धू जी का भी याद है, सुप्रीम हाई कोर्ट का जज बनाने वाला वो जो था ना मैटर, मुझे बहुत कुछ याद है, मैं बोल नहीं सकता। चिन्यानंद का नाम ले रहे थे, तनिक सेंगर का नाम ले रहे थे जो जेल जा ठीक। डॉक्टर धनोज फाइनल कमेंट आपका, प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश इसलिए है क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये लोग इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए मैं इसको राजनीति से जोड़ के नहीं बोलूंगा क्योंकि आप जैसा कि मैं सबको सुनने के बाद मामला चला गया, जो हमारे अधिकारी जी है देखिए लॉ मैनुअल होता है, पुलिस मैनुअल होता है, जेल मैनुअल होता है, ठीक है कोर्ट में मामला है, लड़की का 164 में बयान दर्ज होगा, मामले क्या किया गया नहीं किया के ऊपर कोर्ट जो है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जो भी, क्योंकि कोर्ट ही पुलिस का होता, पुलिस का सर्वे सदा कोर्ट ही होता, ठीक है कोई यह कहता कि सरकार होता है तो मैं चीज को नहीं मानता। 10 सेकंड प्रदीप जी, प्रदीप जी एक लाइव में कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि अगर प्रदीप जी वाकई बेटियों का आंसू देखकर आपका दिल पसीजता है तो क्यों नहीं इस मामले पर लाइव डिटेक्टर टेस्ट की मांग करती बीजेपी। प्रदीप जी का ऑडियो प्लीज। हम लोग सत्ता में बैठे सरकार में बैठे, सरकार पे जो ना जनता भी और जितने विपक्षी लालचन ज्यादा होते हैं सब चीजों को ध्यान में रखते ही इन्वेस्टिगेशन होती है, सब चीजें होती है। देखिए आज जो अतीक अहमद को मारा गया तो हम पे कहां से एलिगेशन आया सर? अतीक अहमद कहां से आ गया? ये मसला अलग है, अतीक मामला अलग है, क्या हो गया प्रदीप जी आज आपको? मेरा कहना तात्पर्य ये है कोई चीज जांच पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक हम उन बेटियों के साथ खड़े हैं। सर आपको क्या लग रहा है 10 सेकंड प्लीज, आपके आपको क्या लग रहा है कहां मामला आकर खड़ा हुआ है, क्या रिजल्ट दिखाई देता आपको? देखिए जांच रिपोर्ट सामने आए तब ना कुछ कहा गया है कि जांच रिपोर्ट जो है जांच हुई है कि नहीं हुई। देखिए और जो बेसिक प्रक्रिया है न्याय की वो देखिए मैं मैनुअल वैनुअल तो मैं जानता हूँ कि नियमावली है कार्रवाई के अंदर जेल के अंदर के लिए जेल मैनुअल है, पुलिस मैनुअल जो है पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों के लिए है, अपनी जानकारी भी सही कर दीजिए। चिलक जी एक सेकेंड बस, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ आपको मालूम है सर, TRPC से गवर्न होता है, TRPC में धारा 154 जो है TRPC 154 FIR कहती है, 154 से लेके 172 तक जितनी TRPC की धाराएं हैं वो सब जो धाराएं हैं उन पे क्रमशः इन्वेस्टिगेशन चलता है, वो हर जगह
चाहे एक से एक तक का बयान हो, आगे रिकॉर्ड करता है, हकीकत क्या है ये सबके सामने आनी चाहिए, कौन सच्चा कौन झूठा ये भी सबको मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।